प्यारे विद्यार्थियों, देसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राजस्थान जीके की एक और न्यू वीडियो लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका करेक्ट है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दो, राजस्थान में अशोक के अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? बेरार से, आहट से, बरनाल से या भूज कला से? तो इसका करेक्ट है बेरार। बेरार से प्राप्त हुए थे अशोक के शिलालेख। क्वेश्चन नंबर तीन, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था, मुबारक, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन या शाहबुद्दीन? तो इसका करेक्ट है जलालुद्दीन। क्वेश्चन नंबर चार, राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली सम वर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर? तो इसका करेक्ट है ऑप्शन ए, 50 सेंटीमीटर। वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। राजस्थान का कुब्बड़पट्टी कहलाता है, राजस्थान के कुब्बड़पट्टी कहलाते हैं भरतपुर और अलवर, कोटा बूंदी, नागौर, अजमेर या बांसवाड़ा, डूंगरपुर? तो इसका करेक्ट है नागौर और अजमेर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट है ऑप्शन सी, जानकी देवी बजाज। क्वेश्चन नंबर सेवन, आजादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कितने कौन से है? लावा, कुशलगढ़, नीमराणा, उप सभी? तो इसका करेक्ट है उप सभी, तीनों के तीनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इससे पहले वीडियो में जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने राइट होते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना। किस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था? फोई सागर, आना सागर, जय समंद या सिलीसेट? तो इसका करेक्ट है आना सागर। क्वेश्चन नंबर नाइन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंब योजना का प्रारंभ कब किया गया? 21 जुलाई 2019, 21 दिसंबर 2020, 27 जनवरी 2016, 20 अगस्त 2019? तो इसका करेक्ट है ऑप्शन सी, 27 जनवरी 2016। क्वेश्चन नंबर दस, किशोर सागर झील कहाँ स्थित है? किशोर सागर झील है वो कोटा, धौलपुर, वाली, जैसलमेर, इनमें से? इसका करेक्ट है ऑप्शन ए, कोटा। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त है वो किस जिले में होता है? सबसे पहले वो धौलपुर में होता है, सबसे पहले धौलपुर में होता है और सबसे बाद में है वो जैसलमेर में होता है, जैसलमेर के कटरा गांव में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्याना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन करती है? मालव, सूरसेन, गुजर या राजपूत? तो इसका करेक्ट है सूरसेन। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? बरखान, आंधी, गर्म हवा, लू? तो इसका करेक्ट है लू। राजस्थान में सर्वाधिक आंधी है वो कहाँ चलती है? गंगानगर में। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां है वो गंगानगर में चलती है। क्वेश्चन नंबर 14, श्री एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है वो बनाया था बप्पा रावल ने। किसने बनाया था? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने बनाया था। और एकलिंग जी का मंदिर है वो कहाँ पर है? देखते हैं, एकलिंग जी का मंदिर है वो उदयपुर में है। कहाँ? उदयपुर में है। और एक और मंदिर बनाया था सहस्त्र बाहु, जिसे हम सास बहु का मंदिर कहते हैं, वो है नागदा में। कहाँ? नागदा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे द गोल्डन फोर्ट किस किले को कहा जाता है, यानी कि सुनहरा किला? यहाँ पे सुनहरा किला किसे कहा जाता है? जैसलमेर को सुनहरा किला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, गरबा नृत्य है मूलत है वो गुजरात राज्य का, किस राज्य का है? गुजरात का है। और राजस्थान में वो सर्वाधिक डूंगरपुर, बांसवाड़ा में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र नीति में कितने दुर्ग आते हैं? शुक्र नीति है उसमें कितने प्रकार के दुर्ग है होते हैं? 5, 7, 9, 10? तो इसका करेक्ट है 9। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट बोर्ड का कारखाना कहाँ स्थित है? जयपुर में, बाड़मेर में, चित्तौड़ में या कोटा में? तो इसका करेक्ट है कोटा। देखो लास्ट से 19वां क्वेश्चन आ चुका है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपके 20 में से 20 राइट हो तो एक कमेंट और एक लाइक करना। अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला
करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? कोटा, भरतपुर, अलवर, बूंदी। तो इसका करेक्ट है भरतपुर। आज का लास्ट क्वेश्चन, बैंक ऐसी संस्थान है, बैंक ऐसी संस्थान है जो खालिस्तान का व्यवसाय करती है। बैंक सीमेंट का व्यवसाय करती है? नहीं, बैंक सीमेंट का व्यवसाय नहीं करती है, ना उद्योग का करती है, ना फिल्म का करती है। तो इसका करेक्ट है मुद्रा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को एक से दो बार देख लेना।